हेलो फ्रेंड्स, विशाल्स कुकिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक बहुत ही टेस्टी व्हाइट फॉरेस्ट केक की रेसिपी। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आइए रेसिपी शुरू करते हैं। तो आप देख सकते हैं केक बहुत ही सॉफ्ट बन के तैयार होगा हमारा। तो बिना अंडे के हम केक बनाकर तैयार करेंगे, तो आइए। तो दोस्तों, बिना अंडे के केक बनाने के लिए सबसे पहले एक बाउल में मैं डालूँगा 1/2 कप पाउडर शुगर। इसमें डालूँगा मैं 1/3 कप दही। इसमें डालूंगा मैं 1/3 कप रिफाइंड ऑयल। आप चाहें तो मेल्टेड बटर का भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे डाला है मैंने इसमें 1/2 टीस्पून वनीला एसेंस। अब इन सभी को मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगा जब तक हमारा दही और चीनी और सभी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएं। तो इन सभी को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसके ऊपर रखूँगा मैं एक छन्नी। इसमें डालूँगा मैं 1.5 कप रिफाइंड फ्लावर यानी मैदा। इसमें डालूँगा मैं 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर और 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा। अब इन सभी को मैं अच्छे से छान लूँगा। तो इन सभी को मैंने अच्छे से छान लिया है। तो अब इसमें डालूँगा मैं 2 टेबलस्पून मिल्क पाउडर। आप मिल्क पाउडर स्किप भी कर सकते हैं, ये बस ऑप्शनल है। इससे आपका केक का टेस्ट है बहुत बढ़ जाएगा, यानी बहुत टेस्टी लगेगा केक। तो इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगा। तो आप देख सकते हैं हमारा बैटर बहुत ही गाढ़ा है, इसलिए अब इसमें डालूंगा मैं 3/4 कप मिल्क यानी दूध। ये रूम टेम्परेचर दूध है, ना गर्म ना ठंडा। तो इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगा, इसका अच्छा सा बैटर बनाकर तैयार कर लूँगा। तो इसका मैंने अच्छा सा बैटर बनाकर तैयार कर लिया है। इसमें बिल्कुल भी लम्स नहीं है, नहीं बिल्कुल भी गांठ नहीं है इसमें। तो आप देख सकते हैं इस कंसिस्टेंसी का हमारा बैटर बनना चाहिए। अब इसके अंदर डालूंगा मैं 1 टीस्पून विनेगर। यहाँ पर मैंने सफ़ेद सिरका लिया है, तो आप चाहे तो यहाँ नींबू का रस भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसको मैं एक बार हल्के हल्के हाथों से अच्छे से मिक्स कर दूंगा। तो दोस्तों, बैटर को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसको हम साइड में रख देंगे। तो अब हम केक टिन को रेडी कर लेते हैं केक को बेक करने के लिए। तो यहाँ पर मैंने 6 इंच का राउंड शेप का एल्यूमिनियम केक टिन लिया है। तो इसको मैं रिफाइंड ऑयल से अच्छे से ग्रीस कर दे रहा हूँ। आप चाहे तो मेल्टेड बटर से भी ग्रीस कर सकते हैं। तो इसको मैंने ग्रीस कर लिया है। अब इसके अंदर डालूंगा मैं लगभग 1 टेबलस्पून रिफाइंड फ्लावर यानी मैदा। और इस मैदे को हम सारे अच्छी तरह कोट कर लेंगे अंदर से। तो मैदे से हमने केक टिन को कोट कर लिया है। अब इसका एक्स्ट्रा जो मैदा है इसको हम टैप करके निकाल देंगे। तो हमारा केक टिन है वो रेडी हो चुका है। तो अब इस केक टिन के अंदर हम ट्रांसफ़र कर देंगे हमारा सारा केक का बैटर। तो केक का बैटर मैंने इसमें ट्रांसफ़र कर दिया है। अब इसको हम 3-4 बार टैप कर लेंगे ताकि इसमें कोई एयर बबल्स ना रहे। तो चलिए अब इसको बेक करेंगे। इसको हम बिना ओवन के बेक करेंगे। तो बिना ओवन के बेक करने के लिए यहाँ पर मैंने कढ़ाई को 10 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर अच्छे से गर्म कर लिया है। तो कढ़ाई हमारी एकदम गर्म हो चुकी है। अब इसके अंदर रख दूंगा मैं एक जाली स्टैंड। आप चाहें तो कोई कटोरी रख सकते हैं, उसको उल्टा करके रख दें। अब इसके ऊपर रख देंगे केक का टिन और इसको हम ढक देंगे। और इसको मीडियम फ्लेम पर बेक करेंगे लगभग 50 से 55 मिनट के लिए। तो इसको हमें बेक होने देना है इसी तरह। तो आप बीच बीच में एक बार इसे चेक कर लें, यानी 30 मिनट बाद। तो लगभग 55 मिनट हो चुके हैं, हमारा केक बेक होकर तैयार हो चुका है। तो आप देख सकते हैं हमारा केक कितना फूल चुका है, दुगना हो गया है फूल कर। तो अब यहाँ पर मैंने टूथपिक लिया, इसको हम एक बार चेक कर लेते हैं। टूथपिक को सेंटर में लगाएंगे और निकाल कर देखेंगे। तो इसमें कोई बैटर नहीं लग रहा है, यानी हमारा केक का यानी हमारा केक है वो एकदम बेक होकर तैयार हो चुका है। अब इस केक टिन को हम बाहर निकाल लेंगे। तो इसको मैंने लगभग आधा ठंडा कर लिया है, लगभग आधा घंटे के लिए। तो इस अब मैं एक चक्कू लूँगा, इसके सहायता से मैं इसके किनारों को अलग कर दूँगा ताकि हमारा केक है वो आसानी से निकल जाए। तब इस केक को मैं पलट दूँगा किसी प्लेट में, इसको नीचे से टैप ऊपर से टैप करूँगा। तो आप देख सकते हैं हमारा केक कितनी आसानी से निकल चुका है। तो दोस्तों, अब मैं आपको केक को प्रेस करके दिखाता हूँ कि हमारा केक कितना सॉफ्ट बन के तैयार हुआ है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं बहुत ही हमारा सॉफ्ट बनकर तैयार हुआ है केक। तो अब इसको हम कम्प्लीटली ठंडा कर लेंगे, इसको हम साइड में रख देंगे। तो केक के लिए हम फ्रॉस्टिंग बनाकर तैयार कर लेते हैं विप क्रीम की। तो एक बाउल में लिया है मैंने 1 कप व्हिपिंग क्रीम। तो ये एकदम चिल्ड है, यानी एकदम ठंडी है। तो इसमें डालूंगा मैं 2 टीस्पून पाउडर शुगर। आप चीनी कम ज़्यादा कर सकते हैं अपने स्वाद के अनुसार। इसमें डालूंगा मैं 1/2 टीस्पून वनीला एसेंस, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। इससे बस आपका केक का बहुत ही स्वाद बढ़ जाएगा। तो इसको मैं एक बार अच्छे से मिक्स कर दूंगा बीटर की सहायता से। और इसको मैं बीट कर लूँगा जब तक इसकी कंसिस्टेंसी एकदम क्रीमी ना हो जाए, एकदम फ्लफी। दोस्तों, आप देख सकते हैं हमारी क्रीम एकदम फ्लफी हो चुकी है, यानी हमारी व्हिपिंग क्रीम है वो रेडी हो चुकी है बनकर। तो एक केक को फ्रोस्ट करने के लिए एकदम रेडी है।
तो अब स्पैचुला के साथ इसमें से किनारों पर लगी हुई क्रीम को इकट्ठा कर लूँगा बीच में। तो अब इसको हम साइड में रख देंगे। तो अब हम केक के लिए बनाएंगे शुगर सिरप। तो शुगर सिरप बनाने के लिए सबसे पहले एक बाउल में मैंने डाला है 1 टेबल स्पून पीसी हुई चीनी, और इसमें डाला मैंने 3 टेबल स्पून ठंडा पानी। इस सभी को मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगा जब तक हमारी चीनी अच्छे से घुल ना जाए। तो चीनी हमारी घुल चुकी है, यानी हमारा शुगर सिरप बनकर तैयार हो चुका है। अब यहाँ पर मैंने लिया है वाइट कंपाउंड, यानी वाइट चॉकलेट कंपाउंड। तो इसको मैं छोटा छोटा चॉप कर लूँगा। तो आप चाहें तो इसको ग्रेट भी कर सकते हैं बड़ा बड़ा। तो यहाँ पर मैं इसको चॉप कर लूँगा इस तरह। तो इससे हम केक को डेकोरेट करेंगे, तभी हमारा केक है वाइट फॉरेस्ट केक बनेगा। तो आप देख सकते हैं इसको मैंने चॉप कर लिया है। तो यहाँ पर मैंने लगभग 1 कप चॉकलेट को चॉप कर लिया है। तो अब इसको हम साइड में रख देंगे। तो केक को मैंने पूरी तरह ठंडा कर लिया है लगभग 2-3 घंटे के लिए, और इसको मैंने केक बोर्ड पर ट्रांसफ़र कर दिया है। अब इसकी जो ऊपर की हल्की सी फूली हुई लेयर है इसको मैं निकाल दूंगा, यानी हटा दूंगा। तो इस फूली हुई लेयर को हटाने से क्या होता है, जब भी हम केक को डेकोरेट करते हैं तो ये दिक्कत नहीं देता, यानी बहुत ही आसानी से केक डेकोरेट हो जाता है। तो स्पंज की मैंने ऊपर की लेयर को हटा दिया है। अब इस स्पंज को मैं 3 लेयर्स में डिवाइड कर लूँगा। आप चाहें तो 2 लेयर्स में भी कर सकते हैं डिवाइड। तो ये हमारे केक की फर्स्ट लेयर है, ये है हमारे केक की सेकंड लेयर, और ये हमारे केक की थर्ड लेयर। तो केक बोर्ड पर रखूँगा मैं केक की एक लेयर। तो केक बोर्ड को मैंने क्लीन कर लिया है। अब इस पर मैं लगाऊँगा लगभग 2 टीस्पून शुगर सिरप। तो शुगर सिरप लगाने के बाद इस पर मैं लगाऊंगा व्हिपिंग क्रीम, जो व्हिप करके हम तैयार की थी। तो इस क्रीम को मैं स्पैचुला की सहायता से अच्छे से फैला लूँगा, और इसको मैं ऊपर से अच्छे से स्मूथ कर दूँगा, यानी इसे फ्लैट कर दूँगा। तो क्रीम को मैंने अच्छे से फैला लिया है। अब इसके ऊपर रखूँगा मैं केक की दूसरी लेयर, और इस पर भी लगाएंगे शुगर सिरप, और इस पर डालेंगे व्हिप क्रीम। और इसी तरह हम सेम प्रोसेस में इसको कवर कर लेंगे क्रीम से ऊपर से, और इसकी जो एक्स्ट्रा क्रीम है इसको हम हटा देंगे और इसको ऊपर लगा देंगे, और इसको ऊपर से अच्छे से फ्लैट कर देंगे। तो अब इसके ऊपर लगा दिया मैंने थर्ड लेयर, और इसी सेम प्रोसेस में हम इसको डेकोरेट कर लेंगे, यानी ऊपर से क्रीम लगाकर इसे तैयार कर लेंगे। तो इस पर हम थोड़ी सी ज़्यादा क्रीम डालेंगे, क्योंकि हमें पूरे केक को कवर करना है। तो इस तरह हम इसके व्हिपिंग क्रीम को फैलाते हुए इस तरह केक को कवर कर देंगे। तब इसके किनारों पर लगा दूंगा मैं व्हिपिंग क्रीम, और इसके चारों जो एरिया हैं जो भी दिख रहा है इसको हम कवर कर देंगे। और इस पूरे केक को हम चारों तरफ से अच्छे से स्मूथ कर देंगे। इसके ऊपर की जो एक्स्ट्रा क्रीम लगी हुई है इसको हम हटा देंगे। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। केक को मैंने चारों तरफ से अच्छे से क्रीम से कोट कर दिया है। अब इसके किनारों पर मैं डालूंगा ग्रेटेड की हुई चॉकलेट, यानी चॉप की हुई चॉकलेट। इसको हमने बारीक बारीक चॉप किया था। तो यहाँ पर मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। पहले हम इसके किनारों पर इस तरह चॉकलेट डालेंगे, और चक्कू लेंगे कोई भी, और उसकी सहायता से हम इस तरह चॉकलेट को इसके किनारों पर इस तरह लगा देंगे। तो ये बहुत ही आसान प्रोसेस हो जाता है केक को डेकोरेट करना। तो इसी तरह हम पूरे केक को चॉकलेट से डेकोरेट कर लेंगे। इसके किनारों पर मैंने सारे किनारों पर चॉकलेट लगा दिया है। तो थोड़ी सी चॉकलेट मैं इसके ऊपर भी डाल दूंगा, और इसे पूरा कवर कर दूंगा चॉकलेट से। चॉकलेट से मैंने केक को कवर कर लिया है। अब इस केक को मैं किसी प्लेट पर ट्रांसफ़र कर दूंगा। आप चाहें तो इस केक को किसी केक बोर्ड पर भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो इस केक को मैंने ट्रांसफ़र कर दिया किसी प्लेट पर, और इसको मैंने उल्टा कर दिया है। तो यहाँ पर मैंने एक पाइपिंग बैग में व्हिप क्रीम भर ली है। अब इससे मैं इसके ऊपर इस तरह डिज़ाइन बना दूंगा। तो दोस्तों, आप केक के ऊपर अपने मनपसंद की कोई सी भी डिज़ाइन बना सकते हैं। तो इसके ऊपर मैंने डिज़ाइन बना लिया।
तो दोस्तों अब यहाँ पर लिया है मैंने जेली वाली कैंडी, तो 1 रुपये में मिल जाती है। तो यहाँ पर मैं इस कैंडी से मैं इस केक को डेकोरेट कर दूंगा। तो आप चाहें तो इसे चेरी से भी डेकोरेट कर सकते हैं, लेकिन कई जगह चेरी अवेलेबल नहीं होती है, तो ये बहुत ही आसान तरीका है केक को डेकोरेट करने का। तो यहाँ पे मैं थोड़ी थोड़ी जगह छोड़कर उन कैंडी को लगा दूंगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर लग रहा है। दोस्तों अब इसके नीचे वाले किनारों पर भी मैं व्हिपिंग क्रीम से डिज़ाइन बना दूंगा, तो इससे क्या है हमारा केक और भी सुंदर लगेगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं पूरे केक पर मैंने डिज़ाइन बना लिया है। तो हमारा केक है वो एकदम रेडी हो चुका है। आप इसको आधा घंटा के लिए फ्रिज में रेफ्रिजरेट कर लें, और इसको अब मैं कांप को काट कर दिखाता हूँ कि हमारा केक कितना सॉफ्ट बनकर तैयार हुआ है। तो दोस्तों आप देखने पर भी आपको पता चल रहा होगा कि हमारा केक कितना सॉफ्ट बना है। तो अब इसको मैं निकाल लूँगा किसी प्लेट में। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो फिर किसी रेसिपी के साथ मिलते हैं।